पूरे देश भर के अंदर सिंधी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। और इस बार जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद जो गठित है, उसके द्वारा पूरे देश भर के अंदर सिंधी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। और इस बार तो मंत्रालय ने इसका बजट 5 करोड़ से बढ़ा करके 13.5 करोड़ कर दिया है। और उसी के तहत अजमेर की जो साहित्य एवं कल्चर सोसाइटी है, उसने यहाँ कार्यक्रम 10 तारीख को सायंकाल और प्रातःकाल 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। प्रातःकाल संगोष्ठी का आयोजन किया है और संगोष्ठी का जो विषय है वह है भाषा के विकास हेतु नाटक का महत्व, उस पर संगोष्ठी होगी। और शाम को 2 नाटक किए जाएंगे, जिसमें एक सिंधी भाषा में कहूँ तो सोने जा कड़ा और चोर चोर, ऐसे 2 नाटक हैं जिसकी प्रस्तुति होगी। और ये जो अपना सूचना केंद्र है, इसमें कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं सोचता हूँ अजमेर में सिंधी भाषी काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसके कारण से समय समय पर यहाँ विभिन्न संस्थाएं भाषा के विकास के लिए काम करती रहती हैं। उसके तहत अभी पिछले दिनों, लगभग पिछले 3-4 वर्षों में हमारे निःशुल्क कई फिल्मों का भी हमने लोगों को दिखाया है और उसके साथ सिंधी क्लासेज भी की हैं। अजमेर के दयानंद विश्वविद्यालय में सिंधु शोध पीठ जो 2016 में मेरे मंत्री रहते हुए आई थी, जिसके अंदर 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ यूनिवर्सिटी ने दिया और 1 करोड़ हमारे स्मृति ईरानी जी ने विभाग से दिलाए। इस तरह से अजमेर में सिंधी समाज और सिंधी भाषा, जो सबसे मीठी भाषा है, सबसे ज़्यादा उसके अक्षर हैं, ऐसी भाषा के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और उसमें सरकारी सहयोग भी मिलता है। तो ये कल्चर सोसाइटी के हमारे जो अध्यक्ष हैं सुंदरी मटल, उनकी पूरी टीम, वाधवानी जी और उनकी पूरी टीम इसके आयोजन में जुटी है। मैं समझता हूँ कि इसका कार्यक्रम में आपके माध्यम से आम सिंधी समाज के सभी जो भाषा से प्रेम रखते हैं, जो नाटक से सिंधी भाषा को बढ़ाना चाहते हैं और नाटक प्रेमी लोग हैं, ऐसे सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। वो लगता है इसके द्वारा निश्चित रूप से भाषा भी नीचे तक पहुंचेगी, विशेष रूप से नई पीढ़ी जो कभी इस प्रकार के कार्यक्रमों से थोड़ी सी दूर होती जा रही है, उसको भी जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है।